खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आज प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार अभियान के जिला अध्यक्ष अजय काटीवाल ने अपने युवा साथियों के साथ जिला भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष योगेंद्र पालीवाल को बावल विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए अपना आवेदन दिया। अजय काटीवाल ने बताया कि अगर संगठन का आशीर्वाद मिला तो वह बावल विधानसभा से जनता की सेवा करने को तैयार है। अजय ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वह लगातार भाजपा की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं तथा लोगों को भाजपा में शामिल करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी संगठन का निर्णय सर्वोपरि है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे यह मौका देगी तो मैं जनता की सेवा जरूर करूंगा, अन्यथा जिसको भी भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी उसके साथ निष्ठा से मेहनत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनाने में एक सच्चे सिपाही की तरह योगदान देंगे। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री प्रीतम चौहान भी विशेष रूप से मौजूद थे। मैं भाजपा में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूं और काफ़ी समय हो गया मुझे। मैं उससे पहले युवा जिला महामंत्री था, युवा की टीम में मैंने बहुत काम किया है और आज के टाइम में अभी प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार अभियान का जिला अध्यक्ष हूं और मोदी जी के प्रचार में मैंने काफ़ी कार्यक्रम करवाए हैं। इससे पहले मैंने एक रोड शो भी करवाया था जिसके अंदर डीपी बस जी भी आए थे, हमारे जिला प्रधान जी भी थे और भी कई नेता थे, हमारे भाजपा के सारे काफ़ी कार्यकर्ता और नेताजी साथ थे। जिला अध्यक्ष जी को अपने बावल का उम्मीदवार एक अपन ने आपको दिखाया है, उसको शो किया है कि मैं भी बावल का उम्मीदवार हूँ और मैं बावल के लिए कुछ करना चाहता हूँ, बावल के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आज प्रधान जी को अपने विचार रखे हैं और आवेदन पत्र दिया है, मांग कर दीजिए। हाँ, मैं भी देखो दौड़ में तो कहीं ना कहीं इतना काम कर रहा हूँ तो अपने आप को मैं सोचता हूँ कि मुझे भी भाजपा में कहीं ना कहीं अगर कुछ लगा होगा, भाजपा हमारे संगठन ने कुछ लगा होगा कि टिकट के लिए तो उम्मीदवार हूँ ही, अगर कुछ संगठन में और इनका आशीर्वाद रहा तो अगर टिकट देंगे तो मैं जरूर लड़ूंगा चुनाव, वरना मैं भाजपा में ऐसे ही काम करता रहूँगा।